नमस्कार दोस्तों, चामनिंग नेचर लवर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी में थोड़ा ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। देखिए यार, मैं नेचुरल चीज़ संबंधित कुछ भी प्राकृतिक कष्ट सुंदरता लेके आया करता हूँ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम आए हैं ये छपरा हमारी वाइल्ड लाइफ गोरुमारा फॉरेस्ट भी बोलते हैं इसको। यहाँ से हम लोग आए थे घर से सुबह करीब 9 बजे को घर से निकले हैं। अभी यहाँ पे करीब 11:30 होने जा रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे। और इससे आगे जाएंगे, आज का हमारा गंतव्य है यहाँ ये रंगू गरीबास तक। वहाँ तक मैं आपको यहाँ की जो भी है वादिया दिखाने जा रहा हूँ। नेचुरल चीज संबंधित कोई भी चीज़ लेके आया तो करता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you.
जाते सर, इतना भागू ना है ना, मैं खाऊँ की घर में और उसको लगे कॉमन हूँ सबसे तरह की नया पता कितना बताने लगता है। जाते जो हमी नज़ारा प्रकृति को प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा देखिए, बहुत ही सुंदर अव्वल दर्जा का अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ भी साझा कीजिएगा। टोटली नेचुरल चीज़ है, बहुत पुराना पुल है यहाँ। कॉटर है वो, इस जगह का नाम कॉटर है क्योंकि यहाँ पे कॉटर की पेड़ जो फूट होता है या कॉटर इसकी पेड़ काफ़ी रोड की दोनों साइड में कॉटर की पेड़ है पूरा, काफ़ी खुशबू आ रहा है अभी कॉटर की सीजन आ रहा है इसीलिए सब्जी खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट चाहिए थी क्योंकि रोड पर दोनों साइड पूरा कटर ही कटर। एकदम लाजवाब लाजवाब चारों तरफ कटर ही कटर, हम लोग तो तोड़ के लेके जाएंगे सब्जी के लिए। बाटो खुले रहेछ माथिदेखि दुईवटा बाटो छुट्यो, तलबाट हामीहरू माथिपट्टि आयो लगुपट्टि कोदो गोकोमा चाहिँ जलढाका
ये जो थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई दे रहा है, ये जो भी घर वगैरह है ये पूरा का पूरा भूटान है। पारिपटी से भूटान हमी वारीपटी छो, भूटान से यहाँ छो पहाड़ देखते गए दे भूटान को पहाड़ हो, जितना भी पहाड़ी है ये भूटान की है। इस तरफ इंडिया बॉर्डर लगता है बिल्कुल। ये थोड़ा धुंधला जो दिखाई दे रहा है ये भूटान है। पूरा आपको जूम करके भूटान की ओर दिखा रहा हूँ, मैं ले जा रहा हूँ, दूर में है इसलिए। उस तरफ का पहाड़ जो भी है पूरा ही भूटान है, और इस तरफ इंडिया। ये जो नदी है जलढाका नदी, इस तरफ जो दिखाई दे रहा है नदी वगैरह, ये नदी के कारण सीमा अलग अलग हुआ है इंडिया और भूटान का। ये पूरा भूटान ही है। जितना हो सके दिखाने का कोशिश किया मैंने, देख लीजिए भूटान भी पूरा पहाड़ियों में बसा हुआ एक देश है, और इस तरफ हम इंडिया में। घर से हम नेपाली पहुँचे एकदम फूल पौधा ने कति राम देखी रहा कस्तो ठीक पड़े किसी फूल नीचे राो अलग खाल रास्ता भुले दलगाउँ आएछु, रङ्गु जानु पर्ने थियो, दलगाउँ पट्टि आएछु, फेरि फर्किँदैछु। रास्ता भुल गए थे हम लोग, रङ्गु जा गए, फिर से जा रहे रङ्गु की ओर। ये रास्ता था, वो रास्ता तो भूल गए थे। रास्ता काफ़ी जटिल है। आईपुगे रङ्गु, रङ्गु चाहिँ आईपुग्यौँ। अर्किड रङ्गु पहुँच चुके हैं, देखिए यहाँ पे अर्किड, ये देखिए यहाँ का व्यू। पहुँच गए हैं और अभी रेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा देर में जाएंगे फिर हम लोग कहीं और। आज की ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये था आज का ब्लॉग।